मौसम चाहे सर्दियों का हो या फिर गर्मियों का, ग्लिसरीन की दो बूंद अगर आप रेगुलरली अपने चेहरे पे लगाते हो तो शीशे की तरह आपकी स्किन चमकती है। फेस पे जो भी दाग धब्बे होते हैं वो सारे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। पिगमेंटेशन की समस्या आपकी सॉल्व होती है, ओपन पोर्स की समस्या, कुल मिलाकर के स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है ग्लिसरीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछली बार जब मैंने अपना स्किन केयर वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लिसरीन को मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में बहुत शामिल करती हूँ। तो आपने पूछा था कि एक सेपरेट वीडियो ग्लिसरीन पे बताइएगा किस तरह से आप यूज़ करते हैं, अगर हमने यूज़ करनी है तो क्या करें। तो देखिए, ग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ है, मौसम चाहे जो मर्जी हो, सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपकी स्किन को एक तो हील करने का काम करती है, जैसे हमारी स्किन फटती रहती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सर्दियों के मौसम में ही हमारी स्किन फटती है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें गर्मियों के मौसम में भी ग्लिसरीन की उतनी ही ज़रूरत होती है स्किन के लिए। कई बार हमें बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन फटती है उस वजह से भी। कईयों को स्किन पे बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है, कईयों के तो यहाँ आंखों के यहाँ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रुखाई होती है, एक वाइट सी परत जम जाती है। तो अगर इन केस अगर आपको ये सारी समस्याएं भी है ना, तब भी ग्लिसरीन हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, इन सारी समस्याओं को क्योर करती है और हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपकी स्किन को ओवरऑल रिपेयर करती है। जो ब्लैकहेड व्हाइटहेड की प्रॉब्लम होती है, जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, हमारे चेहरे पे जिद्दी दाग जो एक बार हो जाते हैं फिर हटने का नाम ही नहीं लेते, तो उन सारी समस्याओं को क्योर करने के लिए भी ग्लिसरीन बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन को फेयर करती है, एक शेड लाइट करती है और साथ ही साथ आपकी स्किन को फटने से भी बचाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। और ये देखिए जी, एक पैक मैं लेकर के आती हूँ सर्दियों के टाइम पे, मोस्टली लेकर के आती हूँ, तो पूरा मतलब लगभग मेरे एक साल तक ही चल जाती है। तो आप भी अगर इससे छोटा पैक भी लेकर के आते हो ना, तब भी वो बहुत इजीली चल जाता है, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ा सा थिक होती है। आप इसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते हो, इसको आपको किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना होता है। आप इसे फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं या क्लिंजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसे डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलरली ग्लिसरीन को यूज़ करना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है, मतलब मक्खन की तरह मुलायम। जो छोटे छोटे बच्चों की स्किन होती है ना, जब हम बचपन में हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती थी, तो बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन इसकी हेल्प से हो जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या करना है। बहुत सिंपल उपाय मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। इसमें क्या करना है कि ग्लिसरीन जो भी ब्रांड आपकी नियर बाई मेडिकल स्टोर में ही आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, इतना बड़ा पैक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटा पैक भी लोगे तो वो भी बहुत दिन तक आपका चल जाता है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें इसे यूज़ करना होता है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ बूंदे मैंने ग्लिसरीन की ली हैं। और अब देखिए, इसमें मैं ऐड करूँगी गुलाब जल लगभग 1 चम्मच के करीब। मैंने अंदाजे से ही ले लिया, लेकिन 1 चम्मच के करीब आपको इन 8 बूंदों में गुलाब जल का ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो कि सेम इसी रेशो में इसे डाइल्यूट करके, अगर छोटी आपके पास बॉटल है तो उसमें स्टोर करके रख सकते हो। बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुलाब जल भी आपका रेडीमेड चीज़ होती है, ये ख़राब नहीं होता है, और ग्लिसरीन भी आपकी ख़राब होने वाली नहीं है। तो आप इसे डाइल्यूट करके उस तरह से रख सकते हो। और डेली आपको क्या करना है, फिर रात को सोने से पहले, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए, तो क्या करना है, आपने कॉटन लेनी है इस तरह से। कॉटन को यहाँ पर हम डिप करेंगे और फिर रात को सोने से पहले, फेस वॉश कर लिया है तब भी, नहीं किया है तब भी, तो इसको इस तरह से पहले टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे हम लगाएंगे इस तरह से, ताकि पोर्स के अंदर तक की गंदगी के तक ये जाए, और जो पोर्स के अंदर की गंदगी है, धूल मिट्टी है, वही बाद में ब्लैक एंड वाइटर का रूप लेती है। तो इसलिए स्किन को, मैंने आपको स्किन केयर वीडियो में भी बताया था कि डेली मैं अपनी स्किन को रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, तो ये हैबिट सब में होनी चाहिए। आपने मेकअप करते हो, नहीं भी करते हो, हाउसवाइफ हो, कईयों के ये रहता है कि भाई हम तो ज़्यादा मेकअप करते ही नहीं है, तो ज़रूरत नहीं होती, तो ज़रूरत सबको होती है। तो इस तरह से आपने टैप टैप करते हुए फिर इसी की हेल्प से आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लोगे, बहुत बढ़िया तरह से आपकी स्किन जो है ना क्लीन हो जाएगी, जितनी भी गंदगी होगी वो आपकी कॉटन में आ जाएगी और आपका चेहरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस इससे भी, ये भी मतलब बहुत बेस्ट उपाय है अगर आपको बहुत कुछ नहीं करना है।
इसके बाद मैं बताती हूँ आपको एक क्रीम बनाना। जैसे ही आपने इस तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद आपने ये क्रीम अपने चेहरे पे लगानी है और छोड़ देनी है रात भर। ही आपके चेहरे पे जब काम करेगी तो आपकी स्किन जो है ना, एक तो मक्खन की तरह सॉफ्ट रहेगी और निखरेगी, जो भी आपके चेहरे पे कोई भी समस्या क्यों ना है वो सारी आपकी धीरे धीरे से ख़त्म हो जाती है। इवन आपके चेहरे पे जो ओपन पोर्स की समस्या हमें हो जाती है ना, तो उसके लिए तो रामबाण इलाज है ये। तो आपके ओवरऑल स्किन केयर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। मैक्सिमम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये ग्लिसरीन होती ही होती है। अच्छा, तो क्रीम कैसे बनानी है? पहले तो आपने उसी तरह से ग्लिसरीन और गुलाब जल को डाइल्यूट कर लेना है आपस में, और फिर उसके बाद हम लेंगे, देखिए कितना लेना है आपको एलोवेरा, आप उस हिसाब से एलोवेरा लेंगे जितनी कंसिस्टेंसी में लिक्विडी या फिर क्रीमी आपको ये चाहिए होगा। अगर थोड़ा सा लिक्विडी रखते हो तो ये एक सीरम की तरह काम करेगा, और सीरम आपकी स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट होते हैं। और बाकी अगर क्रीम की तरह लगाना है तो आप उस तरह से थोड़ा सा और क्वांटिटी को ले सकते हो। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है ये विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है और हमारी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। आप देखोगे कि अगर रेगुलरली आप विटामिन ई को अपनी स्किन पर रब करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर जो भी ऑयल रहता है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर आप स्टोर करने के लिए बना रहे हो तो चीज़ों को आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से ले सकते हैं, तो 2 से 3 कैप्सूल आप उसमें लीजिएगा। एंड अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना भी कर लेते हो, ये देखिए इस तरह से क्रीम की तरह ये बन जाएगी, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की समस्या रहती है तो आप इसमें शुद्ध हल्दी ऐड कर सकते हैं, वो पिंपल को क्योर करने का काम करती है। और अगर आपने इसमें केसर ऐड कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर तो आपकी मतलब जैसे पिगमेंटेशन की समस्या है, बड़ी से बड़ी स्किन की प्रॉब्लम क्यों ना हो वो आपकी क्योर हो जाती है, क्योंकि केसर हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से लेनी है और फिर इस तरह से आपने इसे मसाज करना है अपने चेहरे पर बढ़िया तरह से, ताकि आपकी स्किन के अंदर तक ये अब्सॉर्ब हो। बस इतना सा ही आपने काम करना है और इसे छोड़ देना है। ट्रस्ट मी, अगर रेगुलरली आप इसे यूज़ करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना एकदम निखरेगी और जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी वो भी क्योर हो जाएंगी। बस इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से मसाज करके छोड़ देना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके चेहरे पे डेड स्किन जमा हो जाती है, जैसे स्किन बार बार फटती रहती है तो चेहरे पे डेड स्किन जमा हो जाती है, उसे भी टाइम टू टाइम निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, न्यू सेल्स हमारी स्किन बनाती रहती है, तो टेंशन नहीं है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन सिंपल सा एक उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है टमाटर, इसको इस तरह से स्क्वीज कर लीजिए थोड़ा सा, एंड बहुत बढ़िया स्क्रब का काम करता है ये है मसूर की दाल, जो मैंने दरदरी सी पीसी हुई है। इसको छान करके जो आटा है ना उसका फेस पैक बहुत कमाल के रिजल्ट देता है, और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी ना तो उन्हें क्योर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर फेस पैक कभी बनाना हो ना तो उसमें मसूर की दाल जरूर ऐड कर लेना, फिर आप देखना रिजल्ट्स। ये आपकी स्किन को लाइट करता है, ब्लीच से बहुत अच्छा निखार आपको ये देता है। जो आप मार्केट में फेशियल कराते हो ना तो कई फेशियल के बराबर आपको यहीं पे निखार मिल जाएगा। तो क्या करना है कि इसमें आपने ये डिप करना है, इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हो, कॉफ़ी भी ले सकते हो, बस इस तरह से लिया आपने। और फिर क्या करना है कि इसकी मदद से आपने मसाज करना है, लेकिन थोड़ी सी आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है, क्योंकि ये इससे आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी और ग्लिसरीन के गुण मिल जाएंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा जैसे आपने ऐड की, 2 से 3 बूंदें ऐड की मैंने, और थोड़ा सा इसको दबाओगे ना तो इसके अंदर जो पल्प है, जो रस है, वो निकल के आएगा। टमाटर में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होती है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इस तरह से लेना है और अपने अच्छी तरह से इस तरह से इसे मसाज करना है। बहुत सिंपल चीज़, कोई तामझाम नहीं है, कोई मैश नहीं होगा, आपके पास इतना सा टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, बोलते हैं कि भाई हम अपनी स्किन केयर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि ये चीज़ तो आप चलते चलते भी कर सकते हो। बस टमाटर लीजिए, खाना बनाते होंगे उस टाइम पर एक पीस ले लीजिए कोई छोटा सा, और बस उसी के ऊपर एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बहुत सिंपल सा मैंने ये उपाय बताया। इसके बाद अपने चेहरे को आप ठंडे पानी से धो लोगे। मैं यहाँ पर पहुँच रही हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाना भी है नेक्स्ट फेस पैक किस तरह से बनाना है, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। ग्लिसरीन की मदद से आप इस फेस पैक को तैयार करोगे, और जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे पे डलनेस सी है, आपको कहीं पर भी जाना है, शादी पार्टी फंक्शन है, स्पेशल दिखना है, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसके लिए देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मेरी ये क्रीम बची हुई है, आपको इसमें पहले एलोवेरा ऐड कर लेना है थोड़ा सा, बाद में भी ऐड कर सकते हो जिस भी हिसाब से आपको अच्छा लगे, बट मैं इसी बाउल में बना रही हूँ ना तो दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए फेस पैक बनाने के लिए मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। चावल का आटा लीजिए या फिर बेसन ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको ज़्यादा सूट करता हो। क्योंकि हम जब अपनी स्किन पर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि हमें कौन सी चीज़ सूट कर रही है। एंड सेकेंड जो मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट है वो है कॉफ़ी, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ों को भी ले सकते हो और दो से तीन चीज़ें भी ले सकते हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी भी ले ली, चावल का आटा भी ले लिया, कॉफ़ी भी ले ली, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर का जूस, क्योंकि मैं आप चाहें तो इसमें आप नींबू का रस ले सकते हो, लेकिन नींबू से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए जिन लोगों को सूट नहीं करता उन लोगों को टमाटर सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है जी। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे एंड थोड़ी सी आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है, थोड़ा सा आपने एलोवेरा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, एलोवेरा इसमें ऑलरेडी था, मैंने ऐड नहीं किया। और बाद में थोड़ा थोड़ा गुलाब जल ऐड करते हुए हमने इसका एक बढ़िया सा पैक तैयार कर लेना है, इस तरह से, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, ठीक सा, ताकि आप इजीली इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकें। फिर जैसे ही आपका फेस पैक तैयार हो जाए तो इसे आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए अच्छी तरह से, एक लेप की तरह, आप ब्रश की मदद भी ले सकते हो, मुझे फिंगर की मदद से ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं मोस्टली उन्हें भी हाइड करने के लिए इस तरह से पैक लगाती हूँ, कई बार मैं बस अपने डार्क सर्कल के नीचे ही लगा देती हूँ। तो इस तरह से आपने इसे अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करने के बाद सूखने देना है, जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना। चेहरा धोने के बाद स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है, धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलना। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।